देखो बारिश हो रही है इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग हेलो एवरीवन मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं संगीता रोशन तो चलिए देख लेते हैं इसकी एक बार रेसिपी लेट्स गेट स्टार्टेड तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कप बेसन और इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा अमचूर पाउडर एक छोटा चम्मच और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से ताकि हल्का सा भी जो गाँठे होती हैं कई बार बेसन में वो ना रह जाएँ अब इनके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक थोड़ा सा पतला सा घोल बनाएंगे मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए इस तरीके का घोल बनाएंगे थोड़ा सा इसे अच्छे से चम्मच की हेल्प से फेंट लेंगे और ये देखिए इस तरीके से इसका घोल बना लेंगे हम और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अभी रिसेंटली चार से पाँच ब्रेकफास्ट और स्नैक्स की रेसिपीज़ बनाई हुई हैं तो आप जा कर के उन्हें भी देख सकते हैं बिकॉज़ बारिश का मौसम है तो ये रेसिपीज़ हेल्दी भी हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती हैं तो ये देखिए अब ये हमारा घोल बन के तैयार हो चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे तीन कटी हुई हरी मिर्चें और एक टमाटर कटा हुआ एक प्याज़ बहुत ही बारीक कटा हुआ एक छोटी वाली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो बेसन और ब्रेड का टोस्ट होता है ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ही लेस ऑयल में मैं इसे बनाने वाली हूँ तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बना करके खा सकते हैं और इसके साथ में अगर कोई सॉस हो कोई चटनी हो तो इसका मज़ा बहुत ही बढ़ जाता है और इसका घोल बन तैयार हो चुका है और अब हम एक पैन लेंगे और उसे बिल्कुल आधे चम्मच ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ब्रश की हेल्प से और ये देखिए अब ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम एक ब्रेड को डालेंगे इस तरीके से दोनों साइड से डिप कर लेंगे अच्छे से और इसे हम उस पैन में डाल देंगे ये देखिए और पहले तीन से चार मिनट तक हम इसे एक एक ही साइड पकाएंगे देन हम दूसरी साइड पकाएंगे और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा देसी घी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं या अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप बटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर तो ये देखिए तीन से चार मिनट हो चुके हैं अब इसे हम दूसरी साइड पलट लेते हैं और जैसे कि आपने देखा इसके अंदर मैंने कैप्सिकम भी डाला है प्याज टमाटर सब कुछ डाला है तो अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों गाजर या और भी तरीके की वेजिटेबल्स तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं और ये यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो ये देखिए और इसे इसी तरीके से आराम आराम से सेक लेंगे और ये जो रेसिपी है ये इंस्टेंटली बन जाती है इसमें बहुत ही ज़्यादा ताम झाम नहीं है आपको सारे इंग्रेडिएंट्स घर के अंदर ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और ये उतनी ही चटपटी और बिल्कुल इजी वे में बन जाती है तो ये देखिए अभी हमारा टोस्ट बन के रेडी हो चुका है आप इसे बेसन का टोस्ट भी कह सकते हैं या फिर आप इसे बेसन और ब्रेड का टोस्ट भी कह सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को एक बार प्रेस ज़रूर करें और इसे जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें व्हाट्सएप पर शेयर करें और जितना हो सके फेसबुक पर भी शेयर करें तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय